बच्चों आप सभी कैसे हैं, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सुविचार है, जैसे ही आप सोचते हैं बिल्कुल आप वैसे ही बनते हैं। अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। तो चलिए आज प्रश्नवाली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद किसके कहते हैं, हम लोग किसे कहते हैं, जिसका द्विघात बहुपद जिसका घात 2 है, जिसका घात क्या है, 2 है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए 4x² - 8x + 3 यह है द्विघात बहुपद। ये क्या है द्विघात बहुपद, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका अधिकतम घात कितना है, 2। अधिकतम घात कितना है, 2। इसलिए उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इस रूप में हम लोग को इसको चेंज करना है। यह है शून्यक, ये क्या है शून्यक। पिछले देखिए ना, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में शून्यक निकालना सीखे थे, है ना, निकाले थे कि नहीं। तो अभी शून्यक हम लोग हमको दिया हुआ हम लोग को, अब हम लोग का निकालना है बहुपद, का निकालना है बहुपद। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए हल में लिखते हैं, माना कि द्विघात बहुपद क्या मान लेंगे, ax² + bx + c, है ना, क्या मानेंगे, ax² + bx + c के क्या दिया हुआ है हम लोग को, शून्यकों के, है ना, शून्यकों के योग तथा क्या है गुणनफल, गुणन फल का मान लेंगे क्रमशः अल्फा और बीटा है, मान लिए का माने हैं अल्फा और का मान लिए हम लोग बीटा है, अल्फा और का मान लिए हम लोग बीटा है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, देखिए योग है तो 1/4, गुणन फल है तो -1। फिर से ध्यान से देखिए आप लोग, फर्स्ट में क्या है, यहां पर योग का है योग, तो 1/4। सेकेंड में क्या है, गुणनफल, तो माइनस क्या है 1। तो हम लोग कैसे माने हैं, तो माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य के योग तथा गुणनफल का मान लिया हम लोग अल्फा, का माने हैं बीटा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए योग का क्या चीका, योग का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। क्या फॉर्मूला है, -b/a, आप लोग समझ में आ रहा है ना, क्या फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। यहां पर योग है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब क्या है अल्फा प्लस, तो योग क्या है 1/4 है, कितना है 1/4 बराबर माइनस बी, इसको चेंज नहीं करना है, नीचे क्या है ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। देखिए योग का फॉर्मूला क्या है, -b/a, योग क्या माने हैं, फर्स्ट वाला योग है ना 1/4, 1/4 का लिख दिए हैं बराबर है, तो बराबर। इसको सेम -b/a है तो -b/a का कर दे, अब ध्यान देना है, एरो देख रहे हैं ना आप लोग, हाँ, तो a मतलब क्या हो जाएगा, अतः a इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग 4 और b इक्वल टू क्या मानेंगे, ध्यान देंगे यहां माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस, बताते हैं आप लोग, है ना, -1 बनेगा, कैसे होगा ध्यान देंगे। अगर मान लिया जाए इधर -x है और इधर क्या है 4, हम बताए ना सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या गुना कर सकते हैं, इस तरह बोले हैं ना, तो हम क्या करेंगे x का x ये माइनस है उधर जा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ऐसा ये भी नहीं समझ में आया तो ध्यान देंगे, इधर माइनस से गुना कर देंगे, -1 से गुना कर देंगे, और इधर भी हम क्या कर देंगे -1 से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस का बन गया प्लस, और ए का हो गया प्लस माइनस, माइनस बन जाएगा, माइनस बनेगा,
नहीं बनेगा, इधर माइनस था तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस ही बनेगा। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, साइन को लेकर हैं, किसको लेकर हैं, साइन को सिर्फ, है ना, संख्या नहीं ले रहे हैं। जैसे माइनस एक्स को उधर ले जाते तब प्लस बनता, लेकिन सिर्फ साइन को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इसलिए इधर एक्स है ना माइनस में था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस। पर भी आप लोग को डाउट है तो पर भी एक बार बता दें, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, यहां क्या है, माइनस एक्स बराबर का है फोर, इसको क्या करेंगे, है ना, एक्स का एक्स, और याद रखना सिर्फ अगर माइनस को ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, माइनस को, तो क्या बनेगा, माइनस फोर बनेगा, क्या बनेगा, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, इधर भी माइनस से गुना किए तो क्या बन गया, माइनस, और इधर माइनस गुना क्या बन गया, प्लस बन गया, क्या बन गया, प्लस। ठीक है, तो ए मेरा क्या है फोर, और बी मेरा क्या है, माइनस वन। नेक्स्ट का क्या बैठाएंगे हम लोग, किसके लिए बैठाएंगे हम लोग, गुणनफल के लिए, किसके लिए बैठाएंगे, गुणनफल के लिए, और गुणन फल, गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, बीटा फॉर्मूला इसका सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए, योगफल का क्या होता था माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या है सी बाई ए, तो गुणनफल कितना है, माइनस वन, कितना दिया हुआ है, माइनस वन, और इधर सेम उतारना सी बाई का उतार दिए ए। अब ध्यान लगाना है ये बटम है कि नहीं, हाँ। पिछले बार ये भी बटम था तो ये भी बटम है, लेकिन नीचे क्या है इसका, बाई में फोर है ना, और इसके नीचे कुछ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं था हम वन लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं तो वन लिख दिए। अब ध्यान रखना है हमको इसका हर को, मतलब नीचे बराबर करना है, जैसे ध्यान देंगे नीचे कितना है फोर इसका है कि नहीं, तो इसका भी नीचे फोर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बार रिपीट कर देना आप लोग को, यहाँ नीचे में क्या है फोर, इसका भी नीचे फोर आना चाहिए, अगर नीचे रहेगा फाइव तो इसका भी नीचे क्या आना चाहिए, जो भी रहेगा नीचे वो संख्या हमको इक्वल करना है दोनों में, है ना, क्योंकि इसका नीचे भी ए है, इसका भी नीचे क्या है, तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। अब ध्यान देंगे ए इसका कितना है फोर, तो इसका भी तो फोर होना चाहिए ना, लेकिन है क्या वन, तो कैसे आएगा फोर, ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, मैंने अंश में भी और हर में भी। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, माइनस फोर बाई फोर बनेगा, इधर क्या बन जाएगा सी बाई ए, आप फिर से ध्यान देंगे, है ना, आप बताइए, तो ऐसा बन सकता है, ए का एरो में क्या है फोर, है ना, अब बीच कल टू का बन जाएगा, मतलब सी बनेगा ना, क्या बनेगा सी, क्या बनेगा माइनस फोर, क्या बनेगा, तो आप बताइए ए बी सी आसानी से निकाल लिए, यहाँ तो कोई डाउट बच्चा आप लोग को नहीं। समझ में आ गया, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, तो आगे हम बढ़े, हाँ। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, देखिए क्या है लिखा हुआ, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ए कितना है, यहाँ देखिए यहाँ यहाँ फोर है, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो क्या है लिखती है हम लोग फोर, एक्स मतलब क्या है देखिए, तो मतलब एक्स तो रह जाएगा अब तक, है ना, प्लस है, तो बी बी कितना है बाबू, माइनस वन है, कितना है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस वन, और एक्स रह जाएगा, है ना, प्लस क्या है सी, तो सी कितना है माइनस फोर, तो इसको भी लिख देंगे का जी ब्रैकेट में, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, और वन एक्स से गुना होगा तो क्या बन जाएगा एक्स, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब फोर है तो फोर, तो यहीं पर आपको क्या हो जाता है आंसर। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया जी सर, और आप लोग को समझ में आया, और समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या टू को हल करते हैं, तो हल में लिखेंगे ये फर्स्ट वाला क्या है योग फल, योग मतलब क्या है योग, और सेकेंड वाला क्या है गुणन फल, याद रखना है, तो फिर से लिखेंगे हम लोग, माना कि द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात, कैसे माने थे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
के शून्य को के योग क्या लिखेंगे तथा गुणन फल क्या होगा अल्फा प्लस नहीं अल्फा और बीटा होगा अल्फा और बीटा है लिख देते हैं है ना मान लिए हैं अल्फा का मान लिए हैं क्योंकि अल्फा क्या लिखेंगे पहला फॉर्मूला योग है क्या है योग तो योग और योग मतलब क्या कर देंगे अल्फा प्लस क्या कर देंगे बीटा फॉर्मूला क्या बताए थे माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई क्या बताए थे ए तो योगफल कितना है रूट टू है कितना है रूट टू और कुछ ने नीचे वन दे सकते हैं दे सकते हैं इसको उतराइए माइनस बी बाई इसको चेंज नहीं करना है ना फिर से ध्यान देंगे इसका नीचे क्या है अब पिछले बार ध्यान दिए थे ना मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था नीचे था फोर इसका मैंने हर में है ना अभी इसका है ना गुणनफल में पिछले बार योगफल में नीचे फोर था और इसमें क्या है गुणनफल में है ना तो दोनों तो बराबर करना है कि नहीं तो बराबर कैसे करेंगे ऐसे हम रफ में बता देते हैं जैसे मान लिया जाए इधर रूट टू है इधर वन बटा क्या है थ्री और दोनों साइड हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे ये बटम है तो बटम दे कि नहीं अब नीचे इसका थ्री है और इसका नीचे क्या है वन है और हमको बराबर करना दोनों के हर को बराबर करना है तब क्या करेंगे है ना इसको तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे वन बटा वन ही रह जाएगा अपना क्योंकि इसका हर को इससे गुना कर दिए इसका हर को इससे वन बटा वन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है है ना और इसका हर क्या है थ्री तो क्या करेंगे ऊपर भी थ्री और नीचे भी क्या लिख देंगे थ्री अब नेक्स्ट बार क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो थ्री रूट का बन जाएगा टू और नीचे का बन जाएगा थ्री अरे तो सेम रह जाएगा वन का वन और नीचे का बन जाएगा थ्री तो नीचे बराबर आया कि नहीं इस तरह से हमको हर को बराबर कर देते हैं ठीक ना इसका भी हर को कैसे बराबर करेंगे इसका नीचे क्या है थ्री तो हम क्या करेंगे ऊपर भी थ्री लिखेंगे और नीचे भी क्या लिख देंगे थ्री ठीक है ऐसा क्यों लिखे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है इसका हर में थ्री है और इसका हर में नहीं है संख्या ना तो वन मान लिए थे तो थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और थ्री से नीचे भी किए है ना इसका भी हर थ्री आ जाएगा देखिए तो पहले कैसे गुना करते हैं बिना रूट वाला और फिर से रूट वाला और नीचे थ्री को एक से करेंगे थ्री बन जाएगा वन से तो माइनस बी बाई क्या होगा ए आप लोग देखिए इसका नीचे क्या था थ्री हर में इसका भी क्या आ गया थ्री आया कि नहीं आया यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो आप बताइए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर थ्री एरो देख रहे हैं ना आप लोग ए बराबर क्या हो जाएगा थ्री और देखिए यहां माइनस भी है ना तो बी लिखेंगे और ये माइनस इधर आ जाएगा ना तो माइनस थ्री रूट टू ध्यान देंगे ये माइनस है ना सिर्फ माइनस किधर ला रहे हैं है ना तो माइनस आके इधर माइनस ही रहेगा है ना बताए थे ना कंसेप्ट दोनों तरफ लोग गुना कर देते हैं तो b का b अरे माइनस इधर आ गया है ना तो माइनस थ्री रूट का बन गया टू तो a भी निकल गया और का निकल गया b भी निकल गया है कि नहीं अब क्या करेंगे हम लोग गुणनफल निकलाएंगे ना और गुणनफल आप लोग बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं जी सर आ रहा है ना कोई डाउट नहीं, नहीं है तो चलिए अच्छा बात है गुणनफल निकालना है क्या निकालना है फॉर्मूला बताइए आप लोग c बाई ए बताइए c बाई ए गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए और योगफल का क्या होता है बताइए माइनस b बाई ए होता है याद हो रहा है ना बिल्कुल होगा गुणनफल कितना दिया हुआ है वन बाई थ्री वन बाई थ्री इधर क्या है c बाई ए देखिए इसका भी हर में थ्री इसका भी हर में क्या है थ्री इसको चेंज नहीं करना है ना ठीक है आप बताइए आप लोग ए बराबर क्या होगा ए बराबर क्या होगा थ्री होगा और सी बराबर क्या होगा वन होगा क्या होगा तो ए भी निकल गया सी भी निकल गया अब बी भी निकल गया कि नहीं अब कहाँ निकलना हमको द्विघात बहुपद कहाँ निकलना है यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ निकलना है द्विघात बहुपद अब माने क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हम लोग लिख देंगे
अतः द्विघात बहु पद का लिखेंगे बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिखेंगे कि नहीं? आप बताइए ये कितना है, थ्री यहां भी है, थ्री यहां भी, थ्री एक्स तो चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस। बी कितना है बाबू बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बी कितना है? यहां देखिए बी कितना है, माइनस थ्री रूट टू, माइनस थ्री रूट टू, और एक्स रह जाएगा ना इनटू में, फिर ध्यान देंगे यहां प्लस है ना, तो दे देंगे प्लस, और सी सी कितना है? वन। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस थ्री रूट टू, और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, और इधर प्लस वन, यहीं पर का आपको हो जाता है आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। आप लोग समझ में आया? चलिए हम लोग प्रश्न संख्या थ्री को हल करते हैं। जैसे पिछला प्रश्न में हम लोग वन और टू ज्ञात किए थे, मतलब निकाले थे, अभी हम लोग थ्री हल करते हैं। तो माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के योगफल, योग क्या लिखेंगे, योग तथा गुणन फल अल्फा और का है बीटा है मान लिए, माने है ना? आप बताइए योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस फॉर्मूला बताइए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, योग फल कितना है, जीरो, कितना है, कुछ नीचे वन दे दिए, माइनस बी बाई क्या होगा, ए। पिछले प्रश्न हम लोग बिल्कुल अच्छा समझा दिए कॉन्सेप्ट से, है ना? अब बताइए एरो देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें अतः भी कर देते हैं ना, तो बताइए ए कितना आया, वन, और बी कितना आएगा? आप ध्यान देना है, इधर माइनस है ना, इधर अगर माइनस जीरो, माइनस जीरो का भी देखे हैं, जीरो तो शुरू होता है, नंबर जीरो से क्या होता है, शुरू होता है, इसलिए माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए आप ये नहीं कहिए कि बी माइनस बी है तो इधर माइनस जीरो आ जाएगा, नहीं, ओनली जीरो होगा, क्या होगा, क्योंकि जीरो से हम लोग नंबर शुरू करते हैं, है ना, और जीरो से हम लोग पीछे भी घूरते हैं नंबर लाइन में, संख्या रेखा में। अब क्या करेंगे हम लोग, और बताइए गुणन फल का निकालेंगे हम लोग, गुणन फल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, सी बाई ए। आप लोग बोल नहीं रहे हैं बच्चों, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, बोलिए गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो गुणनफल क्या है, रूट फाइव, कितना है, रूट फाइव, नीचे क्या लिखना है, वन, इधर क्या है, सी बाई ए, इसका भी नीचे वन था, इसका नीचे क्या है, वन है, बताइए जल्दी, तो बोलिए तो ए बराबर क्या आएगा, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, ए बराबर क्या आएगा, वन, और सी बराबर क्या आएगा, रूट फाइव आएगा कि नहीं, यहाँ कोमा भी दे दिए, या इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बराबर वन और सी बराबर कितना है, रूट फाइव, और भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, आप समझ में आ रहा है ना, अतः द्विघात बहु पद, बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, ये कहाँ से लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, जिसको माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में द्विघात बहुपद माने हैं, आप लोग समझ में आ रहे हैं ना, ये कितना है, वन है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है, देखिए यहां पर जीरो है, क्या है, जीरो, इंटू क्या होगा, एक्स प्लस सी कितना है, रूट फाइव है, क्या है, रूट फाइव, आ रहा है इतना दूर तक समझ में आया है, कैसे बैठा रहा है समझ में आया ना, ये कितना है, वन, एक्स स्क्वायर प्लस है तो बी कितना है, जीरो है ना, इंटू क्या है, एक्स प्लस सी कितना है, यहाँ पर बैठा दिए, पुट कर दे मान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर
जीरो के एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस क्या होगा रूट फाइव, रूट फाइव क्या होगा रूट फाइव। कोई दिक्कतें हैं सर? तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता जोड़ेंगे तो, है ना, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो चलिए हम लोग फोर भी हल करते हैं। तो माना कि द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, बोलते जाइए फुनियकों के क्या लिखना है, योग क्या लिखना है तथा गुणनफल, गुणनफल क्या होगा अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है ठीक है। फार्मूला बैठाइए योग का, योग का फार्मूला क्या होगा अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला बताइए माइनस बी बाई ए। आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग ना, ध्यान से देखिए बोर्ड तरफ क्या होगा, फिर से बोलिए माइनस बी बाई ए ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए इसका, बताइए कितना है वन, कुछ नहीं तो देखते हैं वन के नीचे वन लिख दिए माइनस बी और नीचे क्या है ए, आप बताइए क्या है, ए है ना हाँ, अरे क्या है बी है, तो ए कितना बन जाएगा आपका वन, अब बी कितना बन जाएगा माइनस वन, इधर माइनस है ना तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वन बन गया। और क्या बैठाना हमको, गुणनफल का फॉर्मूला, किसका गुणनफल का, गुणनफल बताइए इसका फॉर्मूला अल्फा गुना बीटा सी बाई ए क्या होगा सी बाई ए, तो गुणनफल भी कितना दिया है वन, तो वन नीचे कुछ नहीं तो वन इधर का है सी बटा ए होगा। फिर से बताइए आप लोग आसानी से बन रहा है ना, ए बराबर क्या होगा वन और सी बराबर क्या होगा वन, अतः द्विघात बहुपद बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी, ए कितना है वन इंटू एक्स स्क्वायर, बी कितना है यहाँ देखिए माइनस वन है माइनस और एक्स इंटू में रहेगा, और सी कितना है वन है, गुना करिए इसको एक्स स्क्वायर वन से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस और वन को एक से करेंगे तो एक से न रह जाएगा यानी माइनस एक्स बनेगा, क्या बनेगा माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस वन को एक से करेंगे तो एक्स, प्लस है तो प्लस वन, यहाँ पर क्या हो जाता आप लोग को आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ गया। फाइव में आपका है माइनस वन बाई फोर और फिर है वन बाई फोर है ना, ये बाकी तो हमेशा रिपीट करना पड़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं सारा क्वेश्चन में, तो आप लोगों को अच्छा से रिविजन हो जाएगा, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा, इसलिए सारा संपूर्ण मतलब प्रश्नवाली हम हल कर दे रहे हैं वो आप लोग के अच्छा के लिए है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग रिविजन करिए और अच्छा से अच्छा गेन करिए एग्जाम में है ना। तो क्या करेंगे योगफल देखिए माइनस वन बाई फोर है शॉर्ट हम लोग बना रहे हैं ना, मतलब ये तो पहले से हम लोग सब क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है, हम लोग के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए बार बार बना रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन इसलिए है ना, तो रिवीजन करना है तो एक क्वेश्चन लिखेंगे और बाकी बात हम लोग समझ जाएंगे, इस तरह रिवीजन इसी तरह से करना आप लोग को। इधर क्या करेंगे माइनस बी बाई ए, अब ध्यान देना है ना, यहां भी इसका भी हर में फोर है, इसका भी हर में क्या है फोर है, आप बताइए इधर भी माइनस इधर भी क्या है माइनस, हर में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा नहीं होगा, तो इधर भी माइनस है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं अतः ए बराबर क्या होगा फोर, एरो देखिए आप लोग देख रहे हैं ना ठीक है, अब बी बराबर क्या होगा माइनस, माइनस कट जाएगा कि नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बी बराबर क्या बनेगा वन बनेगा, बी बराबर क्या बनेगा कन्फ्यूजन नहीं करना है, पिछले बार इधर माइनस था तो इधर आके माइनस होता था, अभी दोनों तरफ माइनस है कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा वन, कोई दिक्कत है। अब गुणनफल में आ जाते हैं, गुणनफल भी कितना है वन बटा फोर, क्या लिख देंगे वन बटा फोर, इधर क्या है सी बाई
ए, अभी तो नीचे हर को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल है। आप एरो देखिए आप लोग, तो ए कितना बनेगा 4 है ना, और सी कितना बनेगा 1, एरो देख रहे हैं, ए कितना बनेगा 4 और सी कितना बनेगा 1 बनेगा। देखिए बहुत भारी है ना, कठिन प्रश्न नहीं है ना, कठिन है ना, बहुत आसान है। आप लोग रिवीजन करिए, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद, बोलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कितना है 4, ए कितना है बाबू 4, और एक्स कितना, एक्स तो रह जाएगा आपका इनटू में, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बना दे रहे हैं, प्लस बी कितना है 1, और एक्स इंटू एक्स प्लस का सी कितना है 1 है कि नहीं, यहाँ पर इंटू दे देते हैं ना, क्या देते हैं हम लोग इंटू दे देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बार 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है ना, 1 को x से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा x बनेगा, अब प्लस 1 यहीं पर का आपको हो जाता है आंसर। देखिए बहुत हार्ड है, कठिन प्रश्न नहीं है। तो एक प्रश्न और बचा हुआ है, देखिए 2 मिनट उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं ना। तो हम लोग सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग बच्चे लोग, दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं, मिटा दे सिर्फ फॉर्मूला के यहाँ पर रहन देते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, है 4 और 1 है 6, प्रश्न संख्या 6 में का है 4 और 1, फिर सेम प्रश्न है, फॉर्मेट तो सेम बनेगा इसका, योगफल, योगफल कितना है 4, तो नीचे क्या लिख देंगे 4, इसका फॉर्मूला देखिए, योगफल का क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये तो पहले ऑलरेडी हम लोग बैठा दिए हैं, तो माइनस बी बाई क्या होगा ए, फिर से देखिए इसका नीचे हर में कुछ नहीं, इसका भी नीचे इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा ना। तो बताइए तो आप लोग, ए कितना होगा 1 होगा है ना, अब बी कितना बनेगा माइनस 4, देखिए इधर माइनस है इधर नहीं है, पिछले बार दोनों तरफ माइनस था तो कट गया था ना, इसलिए बी क्या बन जाएगा माइनस 4, क्या बनेगा, बार बार लिख रहे हैं बी, बताइए आप लोग है ना, माइनस 4 क्या बनेगा, माइनस 4 बनेगा ना। चलिए आते हैं हम लोग गुणनफल की तरफ, तो गुणनफल कितना है 1, कुछ नीचे 1 लिख सकते हैं, इधर क्या करेंगे सी बाई ए, आप एरो देख रहे हैं आप लोग नहीं देख रहे हैं, अतः ए बराबर क्या है 1, और सी बराबर बताइए 1, बताइए कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। फर्स्ट प्रश्न हल किए थे, थोड़ा लग रहा था थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, दूसरा प्रश्न किए थे तो भी थोड़ा सा आसान हुआ, तीसरा चौथा पांचवा तो बिल्कुल आसान हो गया, हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। तो देखिए अतः द्विघात बहुपद, बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी कितना है माइनस 4 माइनस इंटू एक्स प्लस, याद रखना ब्रैकेट मतलब होता है इंटू, ब्रैकेट मतलब क्या होता है इंटू, और सी कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा और प्लस 1, यहीं पर क्या आप लोग हो जाता है आंसर। तो आप लोग यहां तक समझ में आया आप लोग को बच्चा लोग, समझ में आ गया, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बच्चों।